ताज नगरी आगरा में लॉकडाउन के बीच एक दुकानदार द्वारा 9 साल के मासूम के साथ कुकर्म करने का मामला आया सामने। लॉकडाउन के दौरान खाली समय में दुकान पर बैठकर मोबाइल पर अश्लील फिल्में देखकर एक युवक के मन में इतनी ज्यादा विकृति आ गई कि उसने अपनी दुकान पर सामान लेने आए मासूम बालक के साथ कुकर्म कर डाला। अगले दिन सुबह जब बालक को उसकी माँ ने नहलाया तो उन्हें इस बात की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस ने बालक का मेडिकल करवाकर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें, थाना सदर के एक गांव में सलमान नाम का युवक परचून की दुकान चलाता है। युवक की दुकान के पीछे ही उसका घर बना हुआ था। वर्तमान में लॉकडाउन के चलते वो सुबह शाम ही दुकान खोल पाता था, बाकी के खाली समय में अपने मोबाइल पर अश्लील साहित्य देखने से उसके मन में विकृति होने लगी और उसने कुछ ऐसा कर डाला जिसके कारण उसे जेल तक जाना पड़ा। अरे सर, मेरे यहाँ एक मुसलमान लड़का किराए पर रहता है, चूरन बेचता है और चूरन के बहाने से मेरे लड़के को अंदर बुला लिया, उसके साथ रेप कर दिया, उसे मारने की धमकी दे दी थी। घर पर मत बताना। अच्छा। जब हमने उसको सुबह नहलाया तो खून खून के कपड़े मिले, जब हमें मालूम पड़ी। जब हमने एक सवारे नंबर पर कॉल किया तो पुलिस वाले को। क्या नाम है लड़के का? उसको इस वाले को, उसका सलमान नाम है सर। कहाँ पर रहता है ये? नैनारा ब्राह्मण में रहता है, करण सिंह नंगला। अच्छा, चूरन के नाम से? हाँ, चूरन बेचता है ये लड़का। कब से रह रहा है यहाँ पे? ये रह रहा होगा सर 5-6 महीने से रह रहा होगा यहाँ पे। धोखे से बुलाया था? धोखे से बुलाया था सर, चूरन के बहाने। चूरन बच्चे तो बेला पचकार बुला लिया चूरन के लिए, चूरन केला इसके साथ गलत काम करके इसको केला चूरन दे दिया। क्या धमकी दी थी? मारने की धमकी दी थी, मार दूंगा अगर तुमने घर पर बताया तो। लॉकडाउन के दौरान 77 का केस दर्ज हुआ है थाना सदर में, क्या है पूरी जानकारी? हाँ देखिए, थाना सदर के बिंदु कतरा क्षेत्र में एक मामला ऐसा आया है जिसमें एक 9 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए गए हैं, जो उसका मेडिकल भी कराया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसको जेल भेजा गया। सर, कहीं ना कहीं क्या कि जो लॉकडाउन के दौरान लोग अकेलेपन का सामना कर रहे हैं, ऐसे में मोबाइल इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, क्या कहीं ना कहीं इस तरह का कोई कारण इसमें सामने आया? देखिए, ये तो अब ये तो विवेचना में आएगा कि क्या रहा, लेकिन अभी उसके साथ ये जो घटना हुई है उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। आगरा से एके न्यूज संवाददाता अमित सिंह चाहर की रिपोर्ट।